बोकारो जिले की गोमिया की एक आदिम जनजाति की महिला आर्थिक अभाव में आधा अधूरा इलाज छोड़कर अपने घर आ गई थी, लेकिन भरी नदी और कीचड़ भरे रास्तों को पार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके घर पहुंची और प्रसूता का इलाज किया। सड़क नहीं रहने के कारण ये महिला अपना बच्चा गंवा चुकी है। इसके जनांगों में भी इन्फेक्शन है। इसका इलाज CHC में चल रहा था, लेकिन पैसे के अभाव में ये अपना इलाज छोड़कर अपने घर बिरहोर डेरा वापस आ गई थी। जब बोकारो मेडिकल की टीम को इसके बारे में जानकारी मिली तो पूरी टीम बीमार महिला से मिलने उसके गांव के लिए निकल पड़ी। निकलना तो आसान था, लेकिन गांव तक पहुंचना इनके लिए खासा मुश्किल हो गया। रास्ते में ही टीम को एम्बुलेंस गाँव से बाहर खड़ा करना पड़ा और भरी नदी को पार करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें गाँव के कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। टीम ने महिला से अस्पताल में इलाज कराने के लिए काफी आग्रह किया, लेकिन महिला तैयार नहीं हुई। अंत में टीम ने महिला का इलाज उसके घर में ही किया। समस्या है, उसका इलाज हो तो आगे उसका जांच की प्रक्रिया शुरू करना होगा। और है क्या, जैसा हम लोग सिस्ट को एक्सप्लेन किए, लग रहा है कि सिस्ट है, क्योंकि पहले से रहा होगा उसको, लेकिन अभी ये खतरा है कि अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए किसी तरह का ही हो जाए तो उसको वो बढ़ने का संभावना है। इसलिए उसकी पहले तो उसके इलाज, उस चीज़ की इलाज करने की जरूरत है। महिला का इलाज शुरू कर दिया गया है, लेकिन इलाज की लगातार जरूरत है, तभी इसका रोग ठीक हो पाएगा। इस गांव को देखकर ये तो मानना होगा कि मेडिकल की टीम ने इलाज के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन आज इस गांव के लिए एक पुल की भी जरूरत है ताकि गांव तक वाहनों का आवागमन हो पाए और किसी अन्य के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोमिया से राजकुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।